हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, टुडे आई एम गोना स्टार्ट अ टॉपिक एंजाइम्स। आज हम देखेंगे कि बच्चों बायोटेक्नोलॉजी में कौन कौन से एंजाइम्स यूज होते हैं, उनका क्या रोल रहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझना होगा कि हमारा टारगेट क्या है। देखो बच्चों, हमारा टारगेट है रिकॉम्बिनेंट डीएनए सिंथेसाइज करना। बायोटेक्नोलॉजी में हमारा अल्टीमेट जो टारगेट है वो है कि एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है, हमें जीन निकालना है और उसको प्लाज्मिड में इंसर्ट करना, ये हमारा टारगेट है। तो बच्चों रिकॉम्बिनेंट डीएनए के लिए सबसे पहले तो हमें डीएनए ही चाहिएगा, क्योंकि उस डीएनए के अंदर हमारा डिजायर्ड जीन रहेगा। अब देखो हमें ये सेलेक्ट करना होगा कि हमारा सोर्स सेल कौन सा है, कि हमें जो डिजायर्ड जीन चाहिए है वो डिजायर्ड जीन हमें कौन सी सेल से लेना है। प्लांट सेल का जीन चाहिए, एनिमल सेल का चाहिए, बैक्टीरिया का चाहिए, किसी और सेल का चाहिए, उसके बेसिस पे हम एंजाइम का सिलेक्शन करेंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए बच्चों, हमारे पास है प्लांट सेल, सो दिस इज दी प्लांट सेल। अब प्लांट सेल में सबसे बाहर होती है सेल वॉल, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर रहता है बच्चों डीएनए, दिस इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अगर बच्चों हम चाहते हैं कि प्लांट सेल का कोई जीन निकालें, आइसोलेट करें, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। ऑब्वियसली बात है बच्चों, देखो सबसे बाहर सेल वॉल है तो हमें सेल वॉल को ब्रेक डाउन करना होगा सबसे पहले, उसके बाद सेकंड नंबर पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ब्रेक डाउन करना होगा, और उसके बाद हमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को ब्रेक डाउन करना होगा, तभी हम डीएनए को आइसोलेट कर सकते हैं और तभी हम उस डीएनए से उस जीन को आइसोलेट कर पाएंगे। तो सबसे पहले बच्चों देखो हमें सेल वॉल को ब्रेक डाउन करना है, तो सेल वॉल को ब्रेक डाउन करने के लिए हम जो एंजाइम यूज करते हैं वो रहता है हमारा सेल्यूलेज, क्योंकि बच्चों जो प्लाज्मा सॉरी जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है, सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, पेक्टिन वगैरह होता है उसके अंदर, तो सेल्यूलेज से वो ब्रेक डाउन हो जाएगी। सेल्यूलेज के साथ हम एक और एंजाइम यूज करेंगे पेक्टिनेज, तो सेल्यूलेज एंड पेक्टिनेज क्या करेंगे, ब्रेक सेल वॉल। अब बच्चों जब सेल वॉल ब्रेक डाउन हो चुकी है, अब सेल वॉल ब्रेकडाउन होने के बाद नेक्स्ट हमारा जो बैरियर है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसमें लिपिड्स होते हैं और प्रोटीन की बनी हुई होती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके बाद हम एंजाइम यूज करेंगे प्रोटीनेज, एंड लाइपेज। बच्चों प्रोटीनेज और लाइपेज क्या करेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को ब्रेक डाउन कर देंगे। इन दिस वे हम हमारा जो डीएनए होगा उसको आइसोलेट कर पाएंगे। तो देखो बच्चों सबसे बाहर थी सेल वॉल, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए हमने यूज किया सेल्यूलेज एंड पेक्टिनेज एंजाइम, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को ब्रेक डाउन करने के लिए हमने यूज किया प्रोटीनेज एंड लाइपेज, और हमने अपना डीएनए आइसोलेट कर लिया। बच्चों अगर प्लांट सेल की बजाय हमारा जो सोर्स सेल है जहां से हमें अपना जीन डिजायर्ड जीन अचीव करना है वो कोई एनिमल सेल होता, तो हम कौन सा एंजाइम यूज करते। फॉर एग्जांपल इट कुड बी एनिमल सेल। एनिमल सेल के केस में क्या रहेगा, सबसे बाहर आपको पता है कि एनिमल सेल के केस में सेल वॉल तो होता नहीं है, सबसे बाहर क्या होता बच्चों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और उसके अंदर रहता है डीएनए। दैट मींस
हमें सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को ब्रेक डाउन करना है अपने डीएनए तक अप्रोच करने के लिए। तो इसके केस में हम सिर्फ दो ही एंजाइम यूज़ करेंगे, अगेन प्रोटीनेज एंड लाइपेज, क्योंकि ये दोनों प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को ब्रेक डाउन कर देंगे। सो प्रोटीनेज एंड लाइपेज एंजाइम यूज करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को ब्रेक डाउन करने के लिए, यहां से हमारा डीएनए आइसोलेट हो जाएगा। अगर बच्चों हमारा सोर्स सेल होता फंजाई सेल तो हम कौन सा एंजाइम यूज करते? देखो फंगस के केस में बच्चों जो सेल वॉल होता है वो बना होता काइटिन का, सेल वॉल बना होता है किस चीज का? काइटिन का। उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और उसके अंदर रहता है डीएनए। यानी कि यहां भी हमें तीन बैरियर है बच्चों, पहला बैरियर है सेल वॉल, सेकंड बैरियर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और थर्ड बैरियर है हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सबसे पहले सेल वॉल को तोड़ेंगे, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ब्रेक डाउन करेंगे, देन वी विल ब्रेक डाउन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो यहां पे जो एंजाइम यूज करते हैं फंजाई सेल के केस में, सबसे पहले हम यूज करेंगे काइटिनेज। काइटिनेज क्या करेगा बच्चों? सेल वॉल को ब्रेक डाउन कर देगा क्योंकि वो बनी हुई है काइटिन की। सो काइटिनेज सेल वॉल को ब्रेक कर देगा। उसके बाद यूज करेंगे बच्चों अगेन वही प्रोटीनेज एंड लाइपेज। एंड लाइपेज ये वही करेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ब्रेक डाउन कर देंगे एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को ब्रेक डाउन कर देंगे। देखो बच्चों प्रोटीनेज एंड लाइपेज तीनों के केस में है, यहां भी और यहां भी तीनों के केस में है, क्योंकि तीनों के केस में हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है। तो इस तरीके से बच्चों डिपेंड करता है कि हमारी सोर्स सेल क्या है, उसके बेसिस पे हम अलग अलग एंजाइम का चुनाव करते हैं, अलग अलग एंजाइम को हम यूज करते हैं। अगर बच्चों हमें सोर्स जो सेल है हमारा बैक्टीरियल सेल होती है, कि हमें बैक्टीरिया का कोई जीन आइसोलेट करना है, तो हम कौन सा एंजाइम यूज करते? देखिए अगर हमारी सोर्स सेल रहती बैक्टीरियल सेल तो बैक्टीरिया के केस में बच्चों बैक्टीरिया के केस में जो सेल वॉल होता है, सेल वॉल बना होता है पेप्टाइडोग्लाइकेन का। आप प्लस वन में भी पढ़ चुके हैं कि सेल वॉल बैक्टीरिया के केस में बना होता है पेप्टाइडोग्लाइकेन का। तो बच्चों उस अंदर रहता है यहां पे डीएनए। सेल वॉल को ब्रेक डाउन करने के लिए हम जो एंजाइम यूज करते हैं वो होता है लाइसोजाइम। क्योंकि बच्चों लाइसोजाइम क्या करता है, देखो जो सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन का बना हुआ है, पेप्टाइडोग्लाइकेन के अंदर दो चीजें होती है, एक होता है नेग एक होता है नेम। पेप्टाइडोग्लाइकेन की जो ये लेयर है ये दो चीजों से बनी हुई है, नेग नेम, ऐसे नेग नेम। नेग और नेम क्या बच्चों? एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। नेम बोलते हैं एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड को, नेग का मतलब होता है बच्चों एन
एसिटाइल ग्लूटामिक एसिड, सो नेग एंड नेम। अब नेग नेम के बीच की बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए लाइसोजाइम काम आता है, तो लाइसोजाइम जैसे हम अप्लाई करेंगे ये क्या करेगा, नेग और नेम के बीच की बॉन्डिंग को तोड़ देगा, जिससे सेल वॉल टूट जाएगा, और सेल वॉल टूट जाएगा उसके बाद में आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, आपको तोड़ने का तरीका पता ही है कि हम प्रोटीनेज और लाइपेज का यूज़ करेंगे, तो इस तरीके से आप डीएनए तक अप्रोच कर सकते हो। सो लेट मी राइट, लाइसोजाइम क्या करता है, इट ब्रेक्स डाउन द बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन नेग एंड नेम। डीएनए आइसोलेट करने के बाद बच्चों आप उसका जीन आइसोलेट कर सकते हैं, उसके लिए कौन सा एंजाइम चाहिएगा उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो अभी तक हमने देखा भाई जो भी हमारा सोर्स सेल रहता है उस सोर्स सेल से हम डीएनए को कैसे आइसोलेट कर सकते हैं, हम कैसे उसके बाहर के जो मेम्ब्रेन्स हैं उनको रिमूव करते हैं। तो बच्चों अभी तक हमने जितने भी एंजाइम्स देखे, चाहे वो सेल्युलेज हो, पेक्टिनेज, प्रोटीनेज, ये सारे के सारे जो एंजाइम अभी तक हमने किए हैं, इन एंजाइम्स को बोलते हैं बच्चों हम लाइसिंग एंजाइम्स। तो अभी तक जो हमने एंजाइम किए हैं इन एंजाइम्स को बोलते हैं लाइसिंग एंजाइम्स। और ये लाइसिंग एंजाइम क्या कर रहे हैं बच्चों, किसी भी सेल की आउटर मेम्ब्रेन को ब्रेक डाउन कर रहे हैं। आउटर मेम्ब्रेन, तो ये पहली कैटेगरी होगी बच्चों हमारी एंजाइम्स की जिसमें हम लाइसिंग एंजाइम यूज करें अलग अलग तरह के, सो दैट वी कैन अप्रोच टू द डीएनए प्रेजेंट इनसाइड द सेल।